आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके सामने आपके अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। अगला असाइनमेंट जो कि आपको भेजा गया था, यह असाइनमेंट आपको भेजा गया था 17th मई यानी कि 17 मई को। असाइनमेंट का सीक्वेंस था 9th, ये नवा असाइनमेंट था। हम 10 असाइनमेंट के आंसर आपको भेजेंगे, सॉल्यूशंस भेजेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जो 11th और 12th असाइनमेंट है वो आंसर के साथ आपको भेजे जा चुके हैं, इसीलिए हम 10 असाइनमेंट के सॉल्यूशंस आप तक भेजेंगे। अभी तक हमने 9th के, आज हम 9th वाले असाइनमेंट के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। इस असाइनमेंट का टाइटल शीर्षक था चित्र वर्णन। अब आप सोच रहे होंगे चित्र वर्णन तो हम दूसरी कक्षा में भी करते थे, पहली कक्षा में भी करते थे, चित्र देखकर मैडम 5 वाक्य लिखवा दी थी, 4 वाक्य लिखा दी थी। अब यहाँ पर चित्र वर्णन को समझने में ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बेटा कि चित्र वर्णन का मकसद होता है कि उस चित्र पर आधारित अपने विचारों को व्यक्त करना। किसी भी चित्र को देखकर उसे अपने विचारों के शब्दों की सीमा में व्यक्त करना चित्र वर्णन कहलाता है। तो चित्र वर्णन लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले कुछ बिंदुओं को समझ लें। चित्र वर्णन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विचार अभिव्यक्ति, कि उस चित्र को देखकर आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। दूसरी बात होती है शब्द चयन, आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार की स्थिति और वातावरण से संबंधित प्रश्न और शब्द अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर आया क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि सेंटेंस सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में होने का मतलब क्या होता है, ये हम एग्जांपल जब आपका अगला प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जब ये चारों पॉइंट्स आपको मैं कवर करके यहाँ बताऊंगी। क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। समायोजन और इस प्रकार से सेंटेंस जुड़े होने चाहिए कि ऐसा नहीं लगे कि पहले आप किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अचानक कहीं और पहुंच गए, बीच में कोई कनेक्टिविटी ही ना हो। जैसे कि हमें अगला प्रश्न दिया गया था और एक चित्र दिया गया था, पिकनिक का एक दृश्य दिया गया था यहाँ पर आप देख सकते हो इस असाइनमेंट में, और आपको कहा गया था कि इस चित्र को देखकर, आई होप यू आर एबल टू सी, इस तरीके का चित्र दिया गया था और आपसे कहा गया था कि चित्र को देखकर अपने विचार व्यक्त कीजिए यानी कि चित्र वर्णन कीजिए। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि चित्र वर्णन करते समय सबसे पहले आपको अपने विचार अभिव्यक्त करना है, तो आप उनके संकेत बिंदुओं को इकट्ठा करो, ये देखो कि उससे संबंधित कौन कौन से शब्द आपके मन में आ रहा है। जब आप चित्र देखोगे तो आप देखोगे कि ये कोई पिकनिक का दृश्य नजर आ रहा है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। फिर आप देखोगे कि आसपास का वातावरण, वहां पर एक कुत्ता घूम रहा है, दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी घास है। फिर उसके अलावा आप देखोगे कि वो लोग सब खाने पीने की चीजें प्लेट्स में लेके बैठे हैं, पानी की बॉटल भी रखी हुई है, कुछ जूस भी है। फिर खेलने के लिए वहां पर एक गेंद भी दिखाई दे रही है, वो फुटबॉल। और वहां पर देखोगे कि सबके चेहरों पर स्माइल है, यानी कि वे सब आनंद की अनुभूति यानी कि हैप्पी है। इस प्रकार आपने शब्द इकट्ठे कर लिए कि भाई ये सारे चित्र के अंदर ये सारे शब्द हैं। तो आपने अपने विचार सोच लिए, आपने शब्द इकट्ठे कर लिए। अब बात आ रही है शब्द चयन के बाद क्रमबद्धता। तो आप सेंटेंस फ्रेम करना शुरू करो, वाक्य बनाना कि यह एक पिकनिक का दृश्य है, पहला वाक्य। चलिए हम लिखते जाते हैं, यहाँ हम कुछ वाक्य लिख लेते हैं क्योंकि सबके अलग होते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यह पिकनिक का दृश्य है, ठीक। अब दूसरा हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि यहाँ एक पूरा परिवार, एक परिवार यानी कि माता पिता अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर आए हुए हैं। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है कि आपका ऑर्डर में रहे। अगर मैंने ये कहा पहले कि वो लोग खाना खा रहे हैं, वो खेल चुके हैं, और उसके बाद में ये बोलूं कि एक परिवार पिकनिक पे आया है, क्या वो वाक्य का सही क्रम होगा, सही ऑर्डर होगा? नहीं, हमें पहले ये बताना होगा कि यहाँ एक परिवार पिकनिक पर आया है, वह लोग खाने का आनंद ले रहे हैं। तो यानी कि कौन सा सेंटेंस पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, वो क्रमबद्धता में आता है, सीक्वेंस में, वो बहुत जरूरी होता है। अगर गलत ऑर्डर में सेंटेंस लिखेंगे तो उसका मीनिंग ही गलत हो जाएगा। फिर समायोजन यानी एक दूसरे से कनेक्ट करना है। मैंने कहा कि वह परिवार घूमने आया है,
कल शालू स्कूल गई थी, आज रामू की स्कूल की छुट्टी थी, आज सब पिकनिक आ गए। तो एक वाक्य वहां का, एक यहाँ का, बिना किसी के जोड़े हमने ऐसे ही लिख दिया, तो गलत है ना। समायोजन का मतलब हम इस प्रकार लिखें कि आज रामू और शीला दोनों के विद्यालय की छुट्टी थी, इसीलिए उनके माता पिता उन्हें पिकनिक पर लेकर आए हैं। तो यानी हमें उनको इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि अपने वाक्य भी सुंदर लगे और उनका पूरा अर्थ भी समझ में आए। तो आप यहाँ लिख लोगे पिकनिक का दृश्य है, पूरा परिवार पिकनिक मनाने आया है, वे अपने साथ भोजन यानी खाने पीने की चीजें, आप हो सकता है आप भोजन नहीं लिख के लिख सकते हो यहाँ पर कि वे अपने साथ खाने की चीजें और जूस भी लाए हैं, आपके शब्द हैं, शब्द हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वे अपने साथ भोजन और खेलने की, भोजन और खेलने के लिए गेंद भी लाए हैं, सभी लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये तो मैंने कुछ वाक्यों के एग्जांपल दिए हैं, हो सकता है कि आप कुछ और लिखना चाहो, आप लिखना चाहो इन बच्चों को नाम दे दो कि भाई अनिल और शालू अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर आए हैं, उनके माता पिता ने बर्गर पेस्ट्री और जूस पिकनिक के लिए साथ में खरीद कर लाए हैं, उनके पास जूस की बोतल भी है, वे लोग फुटबॉल लेकर साथ आए हैं या वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं, अब खाने का आनंद ले रहे हैं, वे अपने छोटे डोगी को भी साथ में लेकर गए हैं, आसपास का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। आपके शब्द, आपकी सोच, आपके विचार, चित्र वर्णन आपका है, आपके हिसाब से आप उसको वर्णन कीजिए, लेकिन बस ध्यान रखना है कुछ बिंदुओं का, शब्द कैसे यूज कर रहे हो, उनमें सीक्वेंस है कि नहीं है, उनका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, ध्यानपूर्वक इन बिंदुओं को ध्यान से देखते हुए ही अपना वाक्य रचना कीजिएगा, चित्र वर्णन कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा आप लोगों को लिखने की हैबिट हो जाती है, ताकि जब आगे की कक्षाओं में जब आप निबंध लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, तो आसानी से लिख पाएंगे, आपकी गलतियां भी कम होंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास करते रहेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।